दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। यहाँ जो सामने प्रोजेक्ट किया हुआ है ये क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो है पूरा नर्व जो आपको दिख रहा है ये क्या है? पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड से रिलेटेड हम लोग बात की। अब हम लोग जो बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखो कितना जबरदस्त सप्लाई नर्व का होता है हमारे बॉडी में। हमारा जो बॉडी है ये चेस्ट रीजन, यहाँ पे भी नर्व सप्लाई, और इवन इसी तरह का नर्व सप्लाई हमारा जो कमर वाला रीजन है यहाँ पे भी जबरदस्त सप्लाई होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। और उसी तरह से नीचे तक जो हम लोग जाए हमारा लेग तक, यहाँ भी क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आप बोल सकते हो कि बॉडी के हर एक पार्ट में हमारा क्या प्रेजेंट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसी से रिलेटेड बात आज के सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बच्चों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो बात करते हैं तो इसको दो भाग में बांट दिया गया है। एक जो बांटा गया है क्रेनियल नर्वस सिस्टम, क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व उसको बोलते हैं जो ब्रेन से डायरेक्टली निकल के बाहर आता है। जैसे आपको जो यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है? क्रेनियल नर्व। मैं जो अगर थोड़ा सा इसको जूम करूँ और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये क्रेनियल नर्व को दिखा रहा है। यहाँ पे जो सामने में है ये क्या? क्रेनियल नर्व। ये जो ब्लिंक करता हुआ जो हाइट हो गया फिर आ गया, ये जो ब्लिंक करता हुआ आपको दिखेगा ये क्या है? क्रेनियल नर्वस सिस्टम। तो क्रेनियल नर्वस सिस्टम में जो बात करें तो क्रेनियल वाले को मैं हटा देता हूँ और इसमें क्रेनियल नर्व की जो बात करते हैं तो ये वाला क्या हो गया? क्रेनियल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल वाला। और जो हम लोग रेस्ट बात करें ये पेरिफेरल वाला, ये जो सामने अभी प्रोजेक्ट है ये क्या है? पेरिफेरल। तो पेरिफेरल में क्रेनियल नर्व प्लस स्पाइनल नर्व ये दोनों प्रेजेंट होता है। क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व किसमें आता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ही आता है। अच्छा वैसा नर्व जो ब्रेन से डायरेक्टली निकल के बाहर है, जो हमारा ब्रेन है ब्रेन से जो डायरेक्टली निकल के बाहर आता है तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं? क्रेनियल नर्व। और जो स्पाइनल कोर्ड से बाहर निकल के आता है तो हम लोग उसको क्या नाम देते हैं? स्पाइनल नर्व बोल देते हैं। क्रेनियल नर्व की जो बात करें तो 12 पेयर क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होता है रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में क्रेनियल नर्व कितना होता है? 12 पेयर क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होता है। जबकि अगर बात करें एम्फीबिया में और फिश में तो 10 पेयर क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होता है। बच्चों क्रेनियल नर्व की जो बात करते हैं तो इसमें तीन तरह का नर्व होता है। एक होता है सेंसरी टाइप का, एक होता है मोटर टाइप का, एक होता है मिक्स टाइप का। 128 एक नंबर, दो नंबर और एट नंबर जो क्रेनियल नर्व है ये पूरी तरह से सेंसरी होता है, प्योर सेंसरी नेचर का होता है। 1, 2 और 8 जो होता है वो क्या होता है? सेंसरी क्रेनियल नर्व होता है, प्योर सेंसरी। अब जो हम लोग बात करें मोटर का तो मोटर वाला में है 3, 4, 6, 11 एंड 12, 3, 4, 6, 11 और 12 ये क्या होता है क्रेनियल नर्व में? ये मोटर टाइप का क्रेनियल नर्व होता है। 3, 4, 6, 11, 12 क्या है? मोटर क्रेनियल नर्व आता है। और जो रेस्ट बच गया तो बचा क्या? 5 बच गया, 7 बच गया, 9 बच गया और 10। 5, 7, 9 और 10 ये मिक्स टाइप का क्रेनियल नर्व होता है। अच्छा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है ENS, रेमस कम्युनिकेंस की जो बात की तो वो 3 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर कंट्रोल करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को। जो लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व जो होता है वो वेगस को बोला जाता है। जो लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है वो क्या होता है? वेगस नर्व जो होता है वो लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है। और जो लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व की जो बात करते हैं वो क्या होता है? ट्राइजेमिनल। लार्जेस्ट सबसे बड़ा क्या होता है? ट्राइजेमिनल। और जो स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व की जो बात करते हैं वो क्या होता है? एब्डुसेंस। सबसे छोटा जो क्रेनियल नर्व होता है वो क्या होता है? एब्डुसेंस। जो क्रेनियल नर्व है वो सबसे छोटा क्रेनियल नर्व होता है। बच्चों पूरा क्रेनियल नर्व की हम लोग जो बात करें तो 12 पेयर क्रेनियल नर्व हम लोग में प्रेजेंट है। 12 पेयर में जो हम लोग बात करें तो सबसे पहला क्रेनियल नर्व होता है ऑल्फैक्ट्री, देन होता है ऑप्टिक, देन होता है ऑक्लोमोटर। ऑल्फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, देन होता है ट्रोकिलियर, देन ट्राइजेमिनल की हम लोग बात करते हैं, देन हम लोग बात करते हैं एब्डुसेंस का, देन बात करते हैं फेशियल का, देन बात करते हैं ऑरेटरी, देन क्लोसो फेरेंजियल, वेगस, स्पाइनल एसेसरी और हाइपोग्लोसल। 12 पेयर क्रेनियल नर्व। बच्चों आपको ये सीक्वेंस में याद रखना है। 12 पेयर क्रेनियल नर्व की जो बात करें इसको आपको क्या करना है?
सीक्वेंस में याद रखना, ओटा फैग भी एस एच ट्रिक है, ओ क्यू टी स्क्वायर ओटा फैग एफ ए जी भी एस एच ओटा फैग भी एस एच करके आप इसको याद रख सकते हो, ओ क्यू टी स्क्वायर नहीं ए फैग एफ ए जी भी एस एच। तो ओटा फैग भी एस एच की जो बात करते हैं तो उसमें पहला क्या होगा ऑल्फैक्ट्री ऑप्टिक ऑक्लोमोटर, ओ क्यू है ऑल्फैक्ट्री ऑप्टिक और ऑक्लो मोटर, देन क्या होगा टी स्क्वायर ट्रोकिलियर और देन ट्राइजेमिनल, और देन जो बात करते हैं एब्ड्यूसेंस नहीं एब्ड्यूसेंस देन फेशियल ओटा फैग एफ ए जी ए फोर ऑडिटरी जी फोर ग्लोसो फेरेंजियल ओटा फैग वी एस एच और बी फोर वेगस स्पाइनल एसेसरी और एच हाइपोग्लोसो। अच्छा 12 पेयर क्रैनियल नर्व में जो हम लोग बात किए तो ये 12 पेयर क्रैनियल नर्व सबका अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन है। जैसे सबसे पहले मैंने बताया सेंसरी तो 128 एक 128 जो मैंने अभी अभी बताया इसमें कि सेंसरी वाला क्या होता है 1 2 और 8 वाला क्या है सेंसरी क्रैनियल नर्व है। तो एक नंबर में क्या है ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक और आठवां नंबर की जो बात करते हैं ऑडिटरी, ये क्या है पूरी तरह से सेंसरी है, ये केवल इंफॉर्मेशन ले जाने का काम करेगा। जो मोटर न्यूरॉन की बात करते हैं तो मोटर में मैंने क्या बताया कि जो रेस्ट बचा इधर मोटर वाला में तो मोटर में क्या हो गया 3, 4, 6, 11 और 12 तीन नंबर वाला जो होता है ऑक्लो मोटर, 4 ट्रकिलियर, 11 नंबर का जो यहाँ पे बात करते हैं स्पाइनल एसेसरी और 12 हाइपोग्लोसल, ये क्या है ये मोटर न्यूरॉन है। और जो रेस्ट बच गया वो सब क्या होता है मिक्स टाइप का न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। बारी बारी से हम लोग देखते हैं सबसे पहला ऑल्फैक्ट्री, बच्चों ऑल्फैक्ट्री की बात करें तो ऑल्फैक्ट्री यहाँ पे ओरिजिन इसका क्या है ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियम होता है और मेनली नेचर इसका क्या हो जाता है सेंसरी है और फंक्शन क्या करता है एस्मेल। तो ऑल्फैक्ट्री वाला एस्मेल से रिलेटेड बात करता है, ऑप्टिक रेटिना और क्या देखने से रिलेटेड इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड बात करेगा, ऑक्लो मोटर की जो बात करें मूवमेंट ऑफ आई बोल से रिलेटेड बात करता है, ट्रोकिलियर मूवमेंट ऑफ आई बोल से रिलेटेड बात करेगा, ट्राइजेमिनल जो होता है मिक्स टाइप का है सेंसरी सप्लाई करता है कंसर्निंग पार्ट में, इसमें एब्ड्यूसेंस की जो बात करें ये भी मूवमेंट ऑफ आई बॉल से रिलेटेड होता है, फेशियल वाला टेस्ट से रिलेटेड बात करता है मिक्स टाइप का है, ऑडिटरी की जो बात करें हेयरिंग करने का काम करता है सुनवाने में हेल्प करता है या सुनने में हेल्प करता है, ग्लोसोफेरिंजियल टेस्ट से रिलेटेड बात करता है, वेगस की जो बात करते हैं ये विसरल ऑर्गन से रिलेटेड बात करेगा, स्पाइनल एसेसरी मूवमेंट ऑफ लैरिंग्स और फेरिंग्स जो है उससे रिलेटेड बात करता है, और हाइपोग्लोसल की जो बात करें मूवमेंट ऑफ टंग जो हम लोग का टंग का जो मूवमेंट होता है वो हाइपोग्लोसल करता है। ये क्या है 12 पेयर क्रैनियल नर्व प्रेजेंट और उसका फंक्शन बताया, 12 पेयर क्रैनियल नर्व को अगर छोड़ दो तो कुछ क्या होता है 31 पेयर स्पाइनल नर्व प्रेजेंट होता है, हम लोगों में 31 पेयर स्पाइनल नर्व प्रेजेंट होता है, प्रत्येक स्पाइनल नर्व जो होता है वो क्या होता है स्पाइनल नर्व मिक्स टाइप का, इसका मतलब वो इन्फॉर्मेशन ले जा भी सकता है और ला भी सकता है। और ये स्पाइनल नर्व कहाँ से एराइज होगा तो रूट ऑफ यहाँ पे जो बात करें रूट ऑफ द हॉर्न ऑफ द ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल को नहीं ग्रे मैटर से एराइज होता है बच्चा, इन डॉर्सल रूट की जो बात करें वनली एफरेंट या सेंसरी फाइबर आता है, जबकि वेंट्रल रूट की जो बात करें वहां से मोटर फाइबर पाया जाता है जो मोटर इन्फॉर्मेशन ले जाने का काम करेगा। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की जो बात करें ऑटोनोमिक ये एनएस जो अपने आप कंट्रोल होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नहीं पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है जो कंट्रोल होता है एक्टिविटी इनसाइड द बॉडी दैट आर नॉर्मली इन इनवॉलंटरी नेचर का होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की जो बात करते हैं। और ये जैसे कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या कंट्रोल करेगा तो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कंट्रोल करेगा, स्वेटिंग जो हम लोग में होता है ये सबको कंट्रोल करने का काम करता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जो बात करें ये बना होता है किसका द मोटर न्यूरॉन पासिंग टू द स्मूथ मसल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गेन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, अच्छा स्मूथ मसल्स जो होता है वो क्या नेचर का होगा इन वॉलेंट्री मसल्स का होता है, मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का होता है कंट्रोल होता है विद इन स्पाइनल कोड नहीं स्पाइनल कोड या ब्रेन के द्वारा, या रिफ्लेक्स की जो बात करें नॉन एज विसरल रिफ्लेक्स यहाँ पे जो रिफ्लेक्सेशन होता है तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम विसरल रिफ्लेक्स एंड डू नॉट इन्वॉल्व इन द कॉन्शियसनेस कंट्रोल ऑफ द हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन, उससे यहाँ पे ये कनेक्टेड नहीं होता है। इसी में जो बात करें जरा सा और
ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का, तो बच्चा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंटेनिंग ए कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, नहीं उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। मैकेनिज्म साइट ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की जो बात करें, ये इनवॉलेंटरी मसल्स होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ब्लड वेसल्स, यहाँ पे जो बात करें स्किन, ये सब जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है। देयर आर टू डिविजन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एक जो बात करते हैं एक सिंपेथेटिक और एक पारा सिंपेथेटिक PNS, और एक जो बात करते हैं SNS सिंपेथेटिक। अच्छा सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम रिलेटेड होता है विसरल रिएक्शन से, नहीं, और इंक्रीज करता है प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, कब, एडवर्स कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में एक्टिवेट होता है हम लोग का सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम। और पारा सिंपेथेटिक जो होता है ये एनर्जी कंजर्व करने का काम करता है, और ये सिंपेथेटिक जो एक्टिवेट हो गया था उसको धीरे धीरे कंट्रोल डाउन करने का काम करता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है इसका एक्टिविटी विसरल ऑर्गेन का डबल साइडेड से कंट्रोल होगा, एक होता है एंटागोनिस्ट टू ईच अदर, ये दोनों क्या हो जाता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में एक दूसरे का एंटागोनिस्ट होता है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये ब्रेन, ये स्पाइनल कोर, स्पाइनल कोर का ये सेक्शन, तो ये सेक्शन जो है ये सर्वाइकल रीजन का, ये थोरेसिक रीजन का, ये लंबर रीजन का, और ये स्पाइनल, सब में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट होता है, और यहाँ पे कुछ बोन दिखा रहा है और इसमें स्पाइनल कोर से रिलेटेड बात कर रहा है। थैंक यू।